सीखा था एक से 30 तक गिनती, अभी हम सीखेंगे 31 से 60 तक गिनती। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाता है यहाँ पे, मैं यहाँ पे चौंतीस, पैंतीस, छत्तीस, अड़तीस, माफ कीजिए 36 के बाद 37 आता है। चालीस, चालीस, ठीक है, ये हो गया 40 तक गिनती। अभी आगे जो है वो हम लिखेंगे वहां पे लिखेंगे 41, बयालीस, तिरालीस, चौवालीस, पैंतालीस, छियालीस, सत्तावन, पचास, पचास। तो अभी हमें लिखना है इकतालीस, इकतालीस, ठीक है, इकतालीस। बयालीस, पैंतालीस, तैंतालीस, चौवालीस, पैंतालीस, सैंतालीस, अड़तालीस, उनचास, पचास, ठीक है, ये हुए 50 तक गिनती। अभी आगे के जो गिनती है 51, इक्यावन, बावन, तिरपन, चौवन, पचपन, सत्तावन, अट्ठावन,
सात इक्यावन बावन तिरपन चौवन चौवन पचपन सत्तावन छप्पन इंसर्ट साठ। ये हो गई साठ तक गिनती। अभी इसको पढ़ना कैसे है मैं अभी सिखाऊंगी, ठीक है। इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनचालीस चालीस, ठीक है। इकतालीस बयालीस तैंतालीस चवालीस पैंतालीस बयालीस सैंतालीस अड़तालीस उनपचास पचास, ठीक है। इक्यावन बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अट्ठावन उनसठ साठ, ठीक है। इस तरह आपको भी पढ़ना है और लिखना है। अभी आपको क्या करना है, एक से लेकर साठ तक अपने क्लासवर्क बुक में एक बार उतारना है, यानी कि एक बार लिखना है और तीन बार इसे पढ़ना है। कितने बार, एक बार लिखना है और तीन बार पढ़ना है। यह आपका होमवर्क रहेगा। तब तक के लिए आपको ये पूरे के पूरे आ जाने चाहिए। अगले क्लास में हम सीखेंगे दूसरा कुछ, ठीक है। धन्यवाद।